मोदी जी अमेरिका में हाउड में कहते हैं इंडिया में सबको अच्छा चल रहा है, अच्छा कुछ चल रहा है मोदी जी आपको दिखाना पड़ेगा कि अच्छा क्या चल रहा है, कहाँ अच्छा है। देश में रोजगार नहीं है, मंदी इतनी आ रखी है, लोग चलान के ऊपर मारे जा रहे हैं, दिन में दिन रेप बढ़ते जा रखे हैं। यूपी के सीएम योगी जी, उनका खास आदमी चिदमानंद, जिसके ऊपर से रेप के आरोप सारे हटा दिए गए हैं, लड़की को गिरफ्तार कर लिया, लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया, लड़की के ऊपर खुद केस लगा दिया कि लड़की उनसे फिरौती मांग रही है। तो मोदी जी अब ये चलने वाला नहीं है, देश के लोग जागरूक हो चुके हैं। वो तो शुक्र मनाओ कि इसके साथ ये नहीं जोड़ा कि तुम चलान नहीं भरो तो भारत माँ के बेटे नहीं, तुम राष्ट्रभक्त नहीं, तुम्हें पाकिस्तान जाना चाहिए, ये भी बोल सकते हैं। एक तरफ से बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो कहते हैं, पर लेकिन देखा जाए तो बेटी के लिए इतना सारा कहाँ से आएगा। एक तो देखा जाए तो कॉलेजों की फीस भी इतनी बढ़ गई है कि आजकल बेटी पढ़ाने में ही एक माँ बाप सोचते हैं घर की अगर एक बेटी को पढ़ा दी जाए तो अगली बेटी के लिए पैसा नहीं बचता पढ़ाने के लिए। जब हमारे पंडित नेहरू और गांधी जी जैसे लोग जेल में थे तो ये दलाल है उन लोगों के और आवाम को बेवकूफ बना रहे। हम बात करते थे पहले अमेरिका की, जापान की, रूस से, हम अपने आपको कंपेयर करते थे, आज हम कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो कभी 70 साल के अंदर आज तक ग्रोथ के मामले में हमसे कभी ऊपर नहीं गया, आज वो हमसे ऊपर जाके बैठा हुआ है। मोदी जी नहीं, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार, ये खामा पीली का पैसे का आपको जो चलान भरना है इसको कम करो। नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 1 सितंबर से ट्रैफिक के नए रूल जब से लागू हुए हैं तभी से लगातार देश भर में इसका विरोध हो रहा है। आज नितिन गडकरी के घर के बाहर जो है कांग्रेस ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। हमारे साथ में अमरीश है। अमरीश जी, जिस तरह से ये पूरा प्रोटेस्ट लगातार जिस दिन से लागू हुआ उसी दिन से देश भर में विरोध हो रहा है, आप लोग भी आज बच्चों को लेकर के पहुँचे, क्यों बच्चों को लेकर के आज जो है आए? इससे पहले हमने बहुत ही उग्र प्रदर्शन किया था यहाँ पे, उसके बाद भी सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंगी, तो आज पूरे दिल्ली में हम एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी छोटी बच्चियों के साथ कि मोदी जी ये जो आपने तुगलकिया फरमान नोटबंदी की तरह जो जबरदस्ती लोगों पे किया है वो ऐसे इसे न करें, आवाम का जान न ले, उनकी जान बचाएं। जिस तरीके से अव्यवहारिक तरीके से इस कानून को लागू किया गया, आप देख रहे हैं कि एक स्कूटर जिसकी कीमत 3,000-4,000 होती है उसका फाइन 50,000 हो रहा है, 1,00,000 रुपया हो रहा है, सेकेंड हैंड स्कूटर की बात कर रहा हूँ, तो इसको व्यवहारिक बनाएं। दूसरा, इस कानून के बाद जब आपका चालान कट जाता है या आपकी गाड़ी का नंबर से आपके ट्रैफिक पुलिस के वेबसाइट पे आपके गाड़ी का अगर नंबर मैं डालूं तो आपका गाड़ी का नाम, नंबर, पता, आपका घर का एड्रेस, किसके नाम पे गाड़ी है, मोबाइल नंबर क्या, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, तो लोगों के प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ है। तो इन दोनों मुद्दों पर कि इस चालान की रकम जो तुगलकिया फरमान के दुरो लाखों में वसूला जा रहा है इसको व्यवहारिक बनाएं, आवाम की हित की बात करें, क्योंकि गुजरात में जहां से मोदी जी मॉडल पे जीते हैं वहां पे इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, महाराष्ट्र में नहीं किया गया, बहुत सारे झारखंड में नहीं किया गया, बहुत सारे बीजेपी शासित प्रदेशों ने इसको लागू नहीं किया, बस दिल्ली में ये जो दोनों हैं छोटे भाई बड़े भाई केजरीवाल और मोदी जी मिलके इससे आवाम से पैसा उगाही कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नितिन गडकरी जी का कहना है कि हम जो है ये सख्त नियम इसलिए लेके आए हैं ताकि एक्सीडेंट में जो लोग मरते हैं उसमें कमी आए और लोग जो है नियम कायदे साहब एक बताओ, ये जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या गडकरी जी? जनता का आवाम बखूब बेवकूफ है, गलती से ड्राइविंग लाइसेंस छूट गया है और वो दे रहा है, क्या आवाम की जान चली जाती है? देखिए, वो जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, समझ में बंद कर दें, नहीं तो जनता आवाज़ देगी, दूसरी बार सरकार बनी है ऐसी हार होगी कि इनका देखने को तरस जाएंगे फिर से, जिस तरीके से आज तक इनको सरकार नहीं मिली। भाई साहब, रश ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइविंग जिससे जान जाती है उस पर आप मनमर्जी वसूलो, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए क्यों वसूल रहे हो? ये भाई साहब जो GDP गिरा है, उद्योग बंद हो रहे हैं, उसके लिए ये उगाही है। सच बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी सरकार इस तरह के कानून लाके जैसे इन्होंने नोटबंदी करके अपने पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा किया वैसे ही इनसे जबरन उगाही कर रही है और लोगों को इस तरीके से गलत फहमी का शिकार न समझे। जनता को क्या बोला था, काला धन आएगा नोटबंदी से, आतंकवाद उग्रवाद खत्म हो जाएगा, क्या हुआ? अमित शाह जी का बेटा जी अरबपति बन गए, उनके बैंक में कितने खरबों रुपए गए, वास्तविकता सबको पता है। उन्हीं के वित्त मंत्री रेशमन सिन्हा ने कहा था कि इनिशियली हमें लगा कि ये एक मतलब भूल है, पर ये तो सोची समझी चाल थी पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, जिसका नतीजा देख सकते हैं, 7+ star इनका ऑफिस बना और पूरे जगह पे बना। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनना छोड़ दे, व्यवहारिक करें, आवाम के हित की बात करें, आवाम के खिलाफ ना जाए, आवाम विरोध में, हमारे विरोध में होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जनता के विरोध में सरकार को नहीं जाना।
जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर अब लोग भी लिख रहे हैं कि जनता तो जो है अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लोग समय से जो है सारी चीज़ें पूरे भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम लगातार लगे रहते हैं, तो जो लोग ऑफिस में लेट होते हैं उनके लिए भी, जिनका हाफ डे लग जाता है, तो उनके लिए भी सरकार कुछ लेके आना चाहिए। क्या है सुनिए, तो राज्य में चुनाव है, इकोनॉमी की इन्होंने तहसी की तहसी कर रखी है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। प्याज की कीमत पता है आपको 100 क्रॉस करने वाला होगा या हो गया 80 रुपए, 100 के आसपास है कुछ जगहों पे, दिल्ली के कनॉट प्लेस में आप जाओ 100 मिलेगा आपको, ठीक है। तो तमाम देखिए, रोटी कपड़ा और मकान, तमाम चीजों, बेसिक चीजों पे इन्होंने ऐसा हालत कर दिया, हाहाकार मचा दिया, तो लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कुछ है नहीं, तो चलो एक थोप दो, दो दिन इसमें लोग घुलने देंगे, वो तो शुक्र मनाओ कि इसके साथ ये नहीं जोड़ा कि तुम चलान नहीं भरो तो भारत माँ के बेटे नहीं, तुम राष्ट्रभक्त नहीं, तुम्हें पाकिस्तान जाना चाहिए, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि आपको एक सच बताऊं, पाकिस्तानियों के हिमायती हैं, ये जिसकी उपज है संघ, एक जमाना था कि मुस्लिम लीग और संघ सरकार बनाती थी, जब हमारे पंडित नेहरू और गांधी जी जैसे लोग जेल में थे, तो ये दलाल है उन लोगों के और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये व्यवहारिक है, और अगर इस पर नहीं सुनती है तो इससे उग्र प्रदर्शन होगा पूरे हिंदुस्तान के हर गली हर चौराहे पे। इस सरकार को जैसे लैंड एक्विजिशन बिल में वापस होना पड़ता है, वैसे इसमें होना पड़ेगा, ये बिल वापस लेगी सरकार आपके दबाव में, व्यवहारिक होना पड़ेगा, ये हमारे दबाव में नहीं, ये जनता के दबाव की बात कर रहा हूँ, ये मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, ये आवाम विरोध में, आवाम विरोध करेगी, आवाम ने उनको जिताया, आवाम ही हराएगी, आवाम के खिलाफ जाओगे आवाम आपको जवाब देगी, ये हटाना पड़ेगा। चलान जो बड़ा है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, ये क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? सर, चलान बड़ा है इसका हमें, हमारा बस विरोध करने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि चलान बड़ा है, पर लेकिन ये इतना बड़ा है कि आज से, अगर हम इससे पहले की अगर हम मोटर व्हीकल अधिनियम को देखें या इससे पहले कानून को देखें, इससे पहले इतना चलान बिल्कुल कभी नहीं बढ़ा है, और जिस प्रकार से जमीन से लेकर चलान बिल्कुल आसमान तक बढ़ गया है, और इससे विरोध का कारण बिल्कुल साफ झलकता है, क्योंकि जनता जो है, जनता की आय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, पर लेकिन अगर देखा जाए चलान में इतनी अचानक से वृद्धि हो गई है कि जनता की आय में बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई है, और साथ में अगर इतने सारे चलान बढ़ गए हैं, इससे जनता ये सोच रही है कि सरकार हमसे लूट रही है, पर लेकिन देखा जाए तो इसमें हमें देखना, हमें ये एक बात की ध्यान रखने की चीज़ है कि सरकार हमसे लूट रही है, ऐसा किसी भी जनता को नहीं सोचना चाहिए, इसलिए हमें हमारी सरकार को इतना करने की आवश्यकता है बस कि थोड़े से चलान को कम कर दिया जाए, जिससे कि जनता भी ये सोचे कि हाँ, हमारी सरकार, हमारी लोकतांत्रिक सरकार हमारे लिए कल्याणकारी काम कर रही है, और साथ में इससे कि जनता को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि बढ़े हुए चलान से अगर देखा जाए, महंगाई और चलान से हमेशा कोई भी जनता खुश नहीं रहती, और वो इसके लिए प्रदर्शन करती ही करती है, तो सरकार से एक ही निवेदन रहेगा कि वो ज़्यादा कुछ ना करे बस, लेकिन चलान को कम करे बस, इतनी ही आवश्यकता, इतनी ही सरकार से हमारी दरकिनार है, और हमारा ये प्रदर्शन जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक है, इसमें कुछ किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं होगा, इसी प्रकार से हमारे आपको बैनर, हमारे नारे से भी पता चल जाएगा कि हमारी मांगे क्या क्या है, समस्या बच्चे हैं जी सर, स्कूटी नहीं चलाते होंगे, चलाते हैं स्कूटी सर, आपको एक बात बताएं तो सबसे पहले सर, एक सेकंड आप सुने पहले, अगर हमारे देखा जाए तो हमारे परिवार में एक कोई बच्चा अकेला नहीं होता, उसका पूरा परिवार होता है, अगर देखा जाए तो हमारे परिवार में हमारे पिताजी भी अगर क्या बोलते हैं स्कूटी या बाइक कोई भी चीज़ चलाते हैं, तो फिर उससे क्या होगा, उससे अगर परिवार की आय में से हमारा पूरा पापा की सैलरी में से आधी सैलरी हमारी पूरी की पूरी उसी में चली जाएगी चालान में, तो बाकी हमारा क्या होगा, एक तरफ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो कहते हैं, पर लेकिन देखा जाए तो बेटी के लिए इतना सारा कहाँ से आएगा, एक तो देखा जाए तो कॉलेजों की फीस भी इतनी बढ़ गई है कि आजकल बेटी पढ़ाने में ही एक माँ बाप सोचते हैं घर की, अगर एक बेटी को पढ़ा दे जाए तो अगली बेटी के लिए पैसा नहीं बचता पढ़ाने के लिए, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि हम लोग रेगुलर कॉलेज पढ़ते हैं, हमें पता है कि हमें क्या बोलते हैं कितनी इतनी फीस की वो होती है, और देखा जाए तो आपने जिस प्रकार से बोला कि हमें किस प्रकार फर्क पड़ता है कि देखे तो आजकल हमारी नारी भी सशक्त है और वो भी किसी प्रकार के वाहनों को चला सकती है, देखा जाए तो अगर हम लोग आज यहाँ पे वाहन में नहीं आए तो क्या पता हम लोग आगे जाके अपना सेटल होके हम लोग भी अपना वाहन खरीदें, हम लोग भी उसे चलाएं, और हमें भी इस चीज़ की जागरूकता होने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हमारे जितने भी वाहन अधिनियम है किस प्रकार से बन रहे हैं, उसमें क्या बढ़ोतरी हो रही है, कितना कम हो रहा है, इतने हमें जानने का हक है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें जनता की जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, जन जागरूकता होगी तभी तो हमारा देश विकास करेगा, बस सर इस बार। लेकिन ये बताइए कि अगर आपके पापा जो हैं या आपके चाचा भैया जो भी हैं, अगर वो पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके चलेंगे तो फिर उनका चालान क्यों कटेगा? सर अगर
देखा जाए तो अगर मैं, जैसे कि आप भी कभी ट्रैवल करते होंगे, करा ना करा ये तो छोड़ो, पर लेकिन यदि देखा जाए तो दिल्ली पुलिस को बिल्कुल सीधी बात है, सच्ची बात है बिल्कुल, अगर वो दिल्ली पुलिस में अगर ऐसा होता है कि कहीं भी पुलिस की, मैं किसी पुलिस की वो नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हम सभी को पाँचों उंगलियों को बराबर नहीं गिन सकते हैं। ये देखा गया है कि जितने भी रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर होते हैं वो किसी ना किसी चीज़ के नाम पर तो चालान काटने को बिल्कुल तत्पर ही रहते हैं। उनके हाथ में पर्ची रहती है कि बस तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है, हो या ना हो वो बाद में देखा जाएगा, तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है, तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है, चलो लगा रखा है वो भी चलो नहीं, तुम्हारा था ही नहीं। तो इस चीज़ को लेकर ये देखा गया है कि यहाँ पे पुलिस वाले जो हैं मन मर्जी के चालान काटने के लिए भी उनको एक प्रेरणा मिली है। और यहाँ पे देखा गया, एक बार सर नोटिस करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे भ्रष्टाचार भी बहुत सारी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि देखा गया कि अगर जहाँ पर 1000 रुपये का चालान होगा तो पुलिस वाले बोलेंगे तो मुझे 500 दे दे, तो इससे क्या होगा, तो मुझे 500 दे दे, तेरे 500 तो बचेंगे, इससे जनता जो है भ्रष्टाचार में और लिप्त हो जाएगी। और अगर हमारी जनता ही भ्रष्टाचार में लिप्त होगी तो इससे क्या होगा, इसमें जो भ्रष्टाचार पहले पुलिस वाले करते थे अकेले जनता भी इसमें लिप्त हो जाएगी, तो इससे हमारे देश का शासन कैसे चलेगा। क्योंकि इसमें देखा गया अगर जनता किसी शासन व्यवस्था में देखा जाए अगर जागरूक नहीं होगी, वो भी पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगी, तो देश का विकास बिल्कुल असंभव है सर। एक तरफ तो कहते हैं मोदी जी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ बेटी के जेब से ही वो पैसे ले रहे हैं, तो अब हम पढ़े या फिर जेबों की तरफ ध्यान दें कि हम उनको लिए पैसा जुटाए, हम क्या करें, आप ही बताएं हमें। क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि आपकी जेब पे डाका डल रहा है? क्यों नहीं, हम हमारे कॉलेज की फीस इतनी बढ़ रखी हुई है, कुछ तो काम करे सरकार वाले, हमारे रिश्तेदार आखिर पैसा दे रहे हैं तो कहाँ से दे रहे हैं, वो हमारे लिए पैसा अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करें, उनकी शिक्षा उनके स्वास्थ्य के लिए, या फिर सरकार को टैक्स ही देते रहे हम। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, जितनी आजीविका नहीं होती उससे ज़्यादा हमें टैक्स देना पड़ता है, जितनी की वो गाड़ियाँ नहीं खरीदते उससे ज़्यादा टैक्स देते हैं, तो वो क्या करें फिर, आजीविका वो किस तरीके से चलाएं। कि आप लोग जो है क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं चालान को कम कराने के लिए? ये जो सरकार ने तुगलकी फरमान लागू किया है कि चालान जो लोगों पर लगाया जा रहा है, हमारे पास बाइक है जिसकी कीमत 20,000 रुपये, मैंने सेकंड खरीदी हुई है, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये से चालान लगा दो तो मैं कहाँ से भरूंगा? नौकरी है नहीं हमारे पास, काम धंधा है नहीं हमारे पास, इतना चालान कौन भरेगा? देश में आर्थिक मंदी है, मोदी जी ने हर तरीके से पैसा लूटने का काम जो आम जनता से किया ना वो बहुत गलत किया है। आज देश के अंदर मंदी इतनी है, रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे भरे नहीं है, चालान किस बात का? हमारे दिल्ली के अंदर आप बसों की हालत देखोगे, एक बस के अंदर जहाँ कैपेसिटी 70 लोगों की होती है वहाँ कम से भी कम 150 लोग भरे जाते हैं, क्यों हम चालान क्यों भरे? अगर आप लोग है अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके चलेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा रखेंगे तो आपका चालान क्यों होगा? हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, हमारे कागज सारे पूरे, क्या रेलवे ठीक है, गड्ढे ठीक है, रोड ठीक है, सरकार ने क्या किया है? सरकार ने क्या किया है? उन्होंने तो अपना काम नहीं पूरा किया, हम तो पूरा कर रहे हैं ना, अपने डॉक्यूमेंट्स हम सब पूरा रखेंगे, वो चलाने इतना ना कटे, गरीब लोग कैसे कमाते हैं वो हमें ही पता है, सरकार समझ नहीं सकती हमारी बात, क्योंकि मेहनत हम करते हैं हमें पता है, वो बैठे रहते बस देखने के लिए। शाम को 7 बजे के बाद आपको रोड पे एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आएगा, ट्रैफिक वाला एक भी नजर नहीं आएगा, क्यों? ऑफिस बंद हो चुके हैं, जो लोग ऑफिस में से घर पहुंच जाते ना पुलिस वाले नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते? इसलिए नहीं मिलते कि अगर ऑफिस वाले जब घर ऑफिस से निकलते हैं घर जाते हैं या घर से ऑफिस आते हैं ना तो पुलिस वाले मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं सिर्फ उनसे चालान काट सके। कल को अगर रोड पे कोई लड़की जा रही होगी ना अकेली, अपने आपको ऐसा ही महसूस करती है, उसको रोड पे पुलिस वाले नजर नहीं आते, तो ये चालान के नाम पे जो गुंडागर्दी इस सरकार ने जाहिर की है ना, इससे बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है अपना दायित्व तो पूरा नहीं कर रही, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, नागरिकों पे जो है ज़्यादा चालान थोपा जा रहा है? सरकार जिम्मेदारी पूरी कर रही है, सरकार को सिर्फ जनता का खून चूसना दिख रहा है, लोगों से पैसे लेते नजर आ रहे हैं। आपने पहले नोटबंदी में खड़ा कर दिया, नोटबंदी में पैसा गया किसका? आम जनता का गया। आपने GST लगाई, GST में पैसा गया किसका? छोटे व्यापारी मंदी हो गया, आज वो बर्बाद होके बैठे हुए। आपने तुगलकी फरमान लगा दिया, आज के टाइम पर रोड पर लोग चालान भरने का तैयार है, सारे कागज पूरे हैं। ये स्कूल के बच्चे, हम कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं? इसलिए आए हुए हैं, हमारे घर में इतनी इनकम नहीं है कि हम इतना चालान पे कर सके। आपको मालूम है उड़ीसा के अंदर एक स्कूटी कीमत 45 से 50 हज़ार रुपये की थी, उसका 1 लाख रुपये का चालान कटा है, और नई की नई स्कूटी थी। ऐसी उड़ीसा में 6 लाख का चालान कटा है, 6 लाख रुपये का चालान कटा है ट्रक का, वो भी तो लोग कहाँ से लोग रोड पे गाड़ी चलाएंगे यार। मोदी जी अमेरिका में हाउड में कहते हैं इंडिया में सबको अच्छा चल रहा है, अच्छा कुछ चल रहा है मोदी जी? आपको दिखाना पड़ेगा कि अच्छा क्या चल रहा है, कहाँ अच्छा है। देश में रोजगार नहीं है, मंदी इतनी आ रखी है, लोग चालान के ऊपर मारे जा रहे हैं, दिन में दिन रेप बढ़ते जा रखे हैं। यूपी के CM योगी जी, उनका खास आदमी चिदमानंद, जिसके ऊपर से रेप के आरोप सारे हटा दिए गए हैं,
लड़की को गिरफ्तार कर लिया, लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया, लड़की के ऊपर खुद केस लगा दिया कि लड़की उनसे फिरौती मांग रही है। तो मोदी जी अब ये चलने वाला नहीं है, देश के लोग जागरूक हो चुके हैं। आपको हिंदुत्व के नाम पे और लोगों ने वोट दिया था कि आप देश में कुछ आगे करोगे, पर नहीं, हमें शायद वापस एक कांग्रेस से तो वापस रुख करना पड़ेगा। कम से उन लोगों ने हिंदू के नाम पे किसी को बांटा तो नहीं, देश का भाईचारा खत्म तो नहीं किया। हम बात करते थे पहले अमेरिका की, जापान की, रूस से हम अपने आप को कंपेयर करते थे, आज हम कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो कभी 70 साल के अंदर आज तक ग्रोथ के मामले में हमसे कभी ऊपर नहीं गया, आज वो हमसे ऊपर जाके बैठा हुआ है। मोदी जी नहीं, हमें रोजगार चाहिए रोजगार। ये खामा पीली का पैसे का आपको जो चलान भरना है इसको कम करो, वरना आपको फिर जनता दिखाएगी। ऐसे ही आज जो छोटा है कल बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये देश गांधी और नेहरू जी ने बनाया हुआ है, आप इस पैसे नहीं कर सकते। देखिए सर, हमारा ना कॉलेज के भी फीस बहुत ज़्यादा भरना पड़ता है हमें, वो भी आपने इतना ज़्यादा करवा दिया और चलान भी ऊपर से लाख लाख रुपए चलान कट रहा है, ये गलत है, आप इसे बंद कराइए प्लीज़। और हम लोग तो कंगाल होते जाएंगे, वैसे भी अमीर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो गरीब है वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपने नोटबंदी करा दी, उसमें कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोग मरे और कितने बुजुर्गों की जान गई है, और कैसे उन्होंने नोटबंदी में अपने घर का खर्च चलाया वो हमें ही पता है। आप तो वहाँ से आए नहीं थे, जब कभी आप बीच में आएंगे तब पता चलेगा गरीबी क्या होती है, गरीब लोग कैसे परेशान है। देश भर में जो है ट्रैफिक के नए रूल को लेकर के जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस ट्रैफिक रूल को जो है वो वापस लेगी, या फिर ये ऐसे कैसे बरकरार रहेगा? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जो है जो जिस तरह से नए ट्रैफिक के जो रूल आए हैं उनमें संशोधन किया जाना चाहिए, जो जुर्माने की जो राशि है उसको कुछ कम किया जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरह की तमाम खबरें लगातार देखने के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।